हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो देखिए, मैं आ गई हूँ खाना बनाने। आज मैं खाना में बना रही हूँ दाल, चावल और भिंडी की सूखी सब्जी। मेरे यहाँ चावल भगोने में ही बनते हैं, मेरे यहाँ कुकर का चावल कोई पसंद नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड को, खास करके मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कुकर की चावल, इसलिए मैं भगोने में हम लोग माट पसा के ही खाते हैं। और देखिए, मैं भिंडी थोड़ा मोटा मोटा काट लेती हूँ। भिंडी तो कई तरीके से बनती है, लेकिन आज मैं थोड़ा मोटा मोटा ही काट के सिंपल सी सूखी सब्जी बनाऊंगी। देखिए, इधर दाल में नमक हल्दी में डाल दी हूँ, मैंने काट लिया भिंडी। अब मैं प्याज काट लेती हूँ। देखिए, मैं मीडियम साइज का प्याज ले लिया हूँ। प्याज काट लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ मैं आप सबको। और बताइए उधर, कोरोना कैसे है? अभी क्या हालात हैं कोरोना के? इधर तो बिहार में बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। जिसको जिसको पिछले बार नहीं हुआ था, उसको उसको लगता है इस बार किसी को नहीं छोड़ेगा ये कोरोना। बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब पिछले बार से भी ज़्यादा फैल रही है इस बार। तो आप लोग भी देखते ही होंगे न्यूज में, तो डर भी लगता है। जबकि वैक्सीन भी आ गई, फिर भी ज़्यादा ही फैल रहे हैं। लग रहा था कि जैसे कि कोरोना चला गया, लेकिन नहीं, ये लगता नहीं ख़त्म होने वाली है। अब तो दुकानें भी 6 बजे तक बंद हो जाती है। आदमी सब का भी निकलना भी कम हो गया है, जितना ज़रूरत होता है उतना ही निकलते हैं। लेकिन फिर भी तो अब लॉकडाउन तो पूरा तो नहीं हुआ है, फिर भी जितना ज़रूरत होता है उतना तो निकलते हैं। देखिए, मेरी प्याज भी पक गई है, मैं इसमें भिंडी डाल देती हूँ। उसको मैं पहले थोड़ा देर भून लूँगी, इसका जो वो पानी है वो सूख जाए, फिर मैं इसमें नमक और हल्दी डालूँगी। अब देखिए, ये पानी सूख चुकी है इसकी। अब मैं इसमें हल्दी और नमक डाल देती हूँ। और आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आप लोग ज़रूर बताइए। आप लोग मेरी वीडियो देखते भी हैं कि नहीं, क्योंकि कोई कमेंट नहीं आता है। सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि अभी तो गर्मी ज़्यादा हो गई है, अभी बाहर से कुछ खा पी नहीं सकते हैं। गर्मी ज़्यादा हो गई तो सबका मन हो रहा था कुछ थोड़ा ठंडा पीने का, सोचा कि घर पे ही कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ। ये मैं अब इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी अपना अपने मीठे के मुताबिक, आपको कितना मीठा पसंद है उतना डाल लीजिए। मेरे हस्बैंड को थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए थोड़ा मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। और ये देखिए, ये कॉफ़ी है। ये मेरे पास नेस्ले की 10 रुपये वाली पाउच थी रखी हुई, तो मैं वही डाल रही हूँ। ये सबको अब मैं मिक्स कर लूँगी मिक्सी में। अच्छे से ये देखिए नेस्ले की है, तो मैं दिखाती हूँ मिक्स करके। मिक्स करने में थोड़ा गिर भी गया था, तो मैं पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। चीनी पूरी तरह चीनी इसमें घुल जाए, ठीक से मिक्स कर लेती हूँ। तब तक देखिए, मेरी सब्जी का पानी भी सूख चुकी है। अभी मैं इसमें मसाला डाल दूँगी, वही बेसिक मसाले जो घर पे डेली यूज होते हैं,
लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, मेरे धनिया पाउडर में जीरा पाउडर भी मिक्स है तो मैं वही डाल लेती हूँ। फिर थोड़ी देर इसको भूनूंगी, फिर ये बन के तैयार हो जाएगी और इसको कुछ नहीं करना है। आप लोग को सब्जी कैसी बनी है, थोड़ा सा ही और भूनेगा। देखिए अब ये बन के रेडी है, तब तक मैं अब इसको दे देती हूँ मग में निकाल के, इसको मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अभी दोपहर का टाइम है तो अभी कुछ देर में हम लोग फिर निकाल के इसको पियेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करूँगी मैं, आप लोग को जितना ठंडा पसंद हो आप लोग उतना ठंडा कीजिए, मैं बस आधा एक घंटा के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूंगी, ज़्यादा देर नहीं रखूंगी। देखिए कितने सारे झाग हैं निकले, झाग बन जाते हैं ये करते हुए, चम्मच से भी नहीं निकल रहे थे। देखिए देखिए कितने सारे झाग, कितना अच्छा लग रहा है। इसमें थोड़ा सा और मैं ये कोल्ड कॉफी डाल देती हूँ, फिर इसको मिक्स करके इसमें डालूंगी, पूरा झाग निकल जाएगा। ऐसे करके चम्मच से नहीं निकल रहे थे तो मैं थोड़ा सा डाल करके इसे हिला करके इसमें फिर डाल देती हूँ। ये देखिए इसको भी निकालने में थोड़ा सा गिर गया, जो जिस दिन गिरता ही रहता है सब कुछ। इसको अच्छी तरह से पोंछ के मैं इसको बंद करके फ्रिज में रख देती हूँ। देखिए ये ठंडी हो चुकी है, मैं ग्लास में सबको दे रही हूँ। आप इसके ऊपर ना आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, आइसक्रीम डाल के और अच्छी लगती है ये, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मार्केट की नहीं है, बिल्कुल मार्केट जैसा ही टेस्ट आता है इसका भी। अब देखिए चारों ग्लास में मेरे और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चों का है ये, मैं पहले बच्चे को दे देती हूँ। ये मेरे दोनों बच्चे हैं,